ही गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये शाम का क्लिप है और देखिए शाम का पूजा पाठ हो गया है और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्ते उपयम। और हम जा रहे हैं मार्केट। आज पतिदेव का छुट्टी था ना, जब तक ये ब्लॉग आएगा तो ये कल का ही ब्लॉग रहेगा। लेकिन जब भी ताला चाबी यही है, बांधो और बंद करो। हाँ बंद किए हैं। तो हम सब जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। अभी जाएंगे तब पता चलेगा। स्लीपर पहन के जाएंगे, थोड़ा आराम रहता है। स्लीपर पहनने से डोलने से आराम रहता है। बंद करके आइए। ए भगवान, चलिए उतरते हैं, फिर पैदल पैदल चलते हैं, फिर आप लोग से मार्केट में मिलते हैं। हे प्रभु, ये फ्राइडे मार्केट है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई है। 100 रुपए 100 रुपए छोले भटूरे। तो गाइस बोले थे चलो रिक्शा आगे से लेते हैं, हमें पैदल ही लेकर आ गए। थोड़ा हमारा वॉकिंग हो गया। क्या बंदना जी क्या देख रही है? अरे कराची के लिए कपड़े देख रहे हैं ना वो। सोनाक्षी के लिए ये सही है। पहनी थी अपने लिए नहीं ले रहे। किस कलर का? मैं अपने लिए नहीं ले रही। तो मार्केट में कम भीड़ भाड़ है। सोनाक्षी को आ जाएगा ना। कितने का है ये? मार्केट में देख सकते हैं भीड़ भाड़। एक ये फिक्स कर देना। ट्यूशन जाती है ना, तो बोल रही थी कि मेरे लिए ये फैमिली देख सकते हैं। वंदना जी आ गई हैं यहाँ पे पूजा वाले दुकान पे, जहाँ पे पूजा के सारे सामान मिलते हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए सामान खरीद रही है, क्या पूजा में लगेगा। सफेद आज के दिन अच्छा दे दिया, सफेद रुई और क्या खरीदते हैं, कौड़ी ले ली हमने। और महादेव बाती तो बाती रुई तो रुई बात वही हो गया। क्या क्या खरीद रही है? मैंने कौड़ी कौड़ी ये कौड़ी खरीदा ये और सफेद बाती और सफेद ये चीनी खरीदी। मैं ऐसे तो पूजा के सामान अभी ले गए थे, ढेर सारा भी सामान है। बाती की ज्यादा प्रयोग होता है ना, इसलिए बाती जल्दी खत्म हो जाता है। और कुछ नहीं भैया, अभी तो सब कुछ है अभी लगभग भगवान। तो सामान लेने के बाद यहाँ पर पपीता ले रहे हैं, ले लो ना। देखो देखो भैया, तो छोटा भी रखा करिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है फ्राइडे में। कितने का हो गया? 90 का। चलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है वंदना एंड कीटो ब्लॉग्स में। सबसे पहले जय माता दी, हर हर महादेव। तो मैं बता दूं तो आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे मैं सोच रही हूँ मम्मी को गिफ्ट दूँ। तो मम्मी बुला रही है लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी, पहले मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो मम्मी को मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मम्मी को नहीं पता कि मदर्स डे की क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोल देती हूँ माता रानी को हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे माता रानी। तो मम्मी को मैं सरप्राइज़ दूंगी। पापा को मैंने फ़ोन करके केक और गिफ्ट्स मंगा दिए, जो कि मम्मी को हम सरप्राइज़ देंगे। तो सबसे बड़ा एक बात बता दूँ, तो हम किट्टो मासी के जाएंगे, पूनम मासी, किट्टो मासी एंड मम्मी तीनों के साथ मनाएंगे मदर्स डे। तो चलिए पहले हम मम्मी को विश करते हैं। चलिए, हाँ बुला रही थी क्या? मैं बोल रही हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले क्या कह रही थी, हैप्पी मदर्स डे।
थैंक यू। अभी बोल रही हूँ शाम को 7 बजे लग। अरे ये तो मेरा सरप्राइज था। अच्छा मुझे भी नहीं पता था, मैं इतनी दुनिया में बिजी हो गई हूँ अपनी लाइफ को लेकर कि ये भी आज मुझे नहीं पता था कि हैप्पी मदर्स डे है। नानी को बोली? नहीं लगा दो फोन, नानी को बोल देते हैं। ठीक है, और हम आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं आप लोगों को। मुझे पता है। क्या पता है? मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन फैमिली को भी बाद में बताएंगे है ना, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे गाइस। बस समझे, बहुत बड़ा सरप्राइज है, शायद जिंदगी में हमारी पहली बार होगा, पहली बार होगा ना सब कुछ, पहली बार ही ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। इतनी उम्र हो गए और बच्चे मम्मी 33 हो जाएगी इस साल है ना। 33? हाँ 33 ना, 33 सन 1990 से जोड़ लो, 90 और ये 90 छोड़ दो, मतलब 90 में तो हुई होगी। हाँ, तो उसमें कब से एक साल हो गई। हाँ वही, मतलब कि 20 उसमें 2024 मतलब 33-34 साल की हुई। तो क्या सरप्राइज है गाइस, हम अपने ब्लॉग बता मतलब कि एक दिन बाद बताएंगे, मम्मी एक दिन बाद बताएगी, तो चलिए बने रहिए। हे गाइस, जैसे बता दो तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किट्टू मौसी के घर जा रहे हैं, तो हाँ सही में जा रहे हैं, तो आप लोग दोनों को हम किट्टू मौसी के घर ले जा रहे हैं। खुश हो दोनों बच्चे? ओह क्या, ये लोग किट्टू के घर जाने के लिए बहुत पगला रहे थे हम, क्योंकि स्विमिंग पूल खुल गया, स्विमिंग पूल है, मतलब संडे कल छुट्टी, सैटरडे संडे कल आ जाएंगे, अब बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। पति देव आपको जानकर कैसा लगा? हैरान, असंभव, जो कभी कभी सोचे थे आप? मम्मी ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। नहीं दाल होता है ना जब बाबा का कृपा, अब फिर बाबा लाएंगे लोग, बाबा भाई हमारी जिंदगी वही शुरुआत करते हैं, वही सब भगवान ही है कि जो साथ देते हैं। तो चलिए किट्टू के घर पे मिलते हैं। तो यहाँ हम सब बैठ गए हैं, हम सब क्या, अरे इधर सोनाक्षी बैठी हुई है और उधर डीके जी मतलब पति देव कार चला रहे हैं, और हम सब निकल गए हैं जब अपने गाजियाबाद जा रहे किट्टू से। सोनाक्षी जीत की है तो हम चलो घुमाते हैं, और मैंने किया है तो एक महीने से हम लोग किट्टू मौसी के घर नहीं गए थे ना, तो जरूरी है क्या है हमेशा किसी के घर पहुँचे रहो, वो अपना ही घर है। चंद्र की जय, बोलिए श्री शिवाय नमस्ते, जोर से बोलो जय माता दी जय। तो गाइस ऐसे ही वीडियो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे, पति देव के चैनल पे, और आप लोग खूब ढेर सारा प्यार सपोर्ट, खूब अपना दुलार जो भी है बरसा दीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें प्यार की इतनी ज़रूरत होती है ना, तो वो प्यार ढूंढने के लिए हमें खोजना पड़ता है। तो भाई अपने ही हम इंसान को अपने प्यार के लिए खोजना पड़ता है, हम ही लोग अपना ही रास्ता निकालेंगे। तो यही है कि मैं लाइव आकर वीडियो बनाकर आप लोग से प्यार मांग रही हूँ, प्यार को खूब दीजिएगा। तो यहाँ ये मेरे महादेव हैं जिस मंदिर में आती हूँ, तो देखिए आज शनिवार कितना भीड़ है, जय महादेव, आप लोग महादेव को दर्शन कर लीजिए, महादेव। तो चलिए मिलते हैं, अच्छी वीडियो खूब आएगा, खूब प्यार दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।